गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले पेपर्स में हम लोगों ने 24 तारीख के पेपर जितने भी हुए थे, तीन पेपर्स, तीनों शिफ्ट के जितने भी न्यूमेरिकल्स आए थे, उन सभी को हल किए थे। आज हम लोग हल करेंगे 24 तारीख का, 25 तारीख का, ठीक है। 25/9/2020 को जो भी पेपर्स हुए थे तीनों शिफ्ट के, उनकी जितने भी न्यूमेरिकल्स आए थे, उन सभी न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या आया था, पहला क्वेश्चन ये था, एक मशीन के द्वारा 1000 जूल कार्ड यानी कि W दे रखा है, 1000 जूल, ठीक है, 1000 जूल ये वर्क दे रखा है, किया गया जिसमें 200 न्यूटन का बल लगाया गया, और ये बल दे रखा है यानी कि फोर्स दे रखा है, 200 न्यूटन का फोर्स लगाया गया, और उसके बाद ये कह रहा है कि मशीन द्वारा कितनी दूरी तय की गई, यानी कि डिस्टेंस या दूरी पूछी गई, ठीक है, डिस्टेंस पूछी गई है। तो हम जानते हैं एक फॉर्मूला W बराबर F इंटू डी, यानी कि कार्य क्या होता है, जब बल लगाया जाता है किसी वस्तु में और उसमें थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो उसे बल के कार्य कहते हैं। तो W जो दे रखा है वो 1000 जूल दे रखा है, F जो दे रखा है 200 न्यूटन दे रखा है, इंटू में डिस्टेंस आ जाएगी, 2 0 2 0 कट गए, 2 5 10 यानी कि 5 मीटर की डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन ये देखते हैं, एक वस्तु 30 किलोग्राम, एक वस्तु जो है 30 किलोग्राम की 5 मीटर प्रति सेकंड से चलती है, तो गतिज ऊर्जा कितनी है, ठीक है, गतिज ऊर्जा पूछी है यानी कि काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए दे रखा है 30 किलोग्राम यानी कि m जो दे रखा है द्रव्यमान, जो द्रव्यमान दे रखा है m जो दे रखा है 30 kg दे रखा है, और उसके बाद वेग जो दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड इनवर्स यानी कि 5 मीटर प्रति सेकंड से चलती है। तो कह रहे गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ये होता है 1/2, एम की वैल्यू रखेंगे 30 इंटू में वी का स्क्वायर यानी कि 5 × 5, ठीक है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 × 5 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 15, और 15 का 25 से गुणा कराएंगे 250, और 125 कितना हो जाएगा 375, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी इसलिए जूल आ जाएगा, तो 375 जूल आएगा। फिर अगला है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है, ठीक है, यानी कि द्रव्यमान दे रखा, फिर से पृथ्वी पर किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो 10 केजी है, 10 केजी दे रखा है पृथ्वी पर, और तो किसी पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है तो इसका भार बताना है, ठीक है, भार, ठीक है, तो भार, भार बताना है और आपका द्रव्यमान दे रखा है। देखिए दो चीजें होती हैं, एक द्रव्यमान होता है और एक भार होता है। द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान जो होता है ये m होता है, ठीक है, द्रव्यमान जो होता है वो m होता है, वो हर प्लैनेट पे सेम रहता है। जैसे कि कोई वस्तु अगर 2 किलोग्राम की है, 2 केजी की है चंद्रमा पर, तो पृथ्वी पर भी 2 केजी की रहेगी, बृहस्पति पे भी 2 केजी की रहेगी, किसी भी प्लैनेट पे आप ले जाओगे तो 2 ही केजी की रहेगी, उसके भार में कोई अंतर नहीं, अंतर आएगा, ठीक है। और लेकिन भार क्या होता है, ये सदैव mg होता है, ये केवल m होता है, इसमें g जो है इन्वॉल्व रहता है भार में, यानी कि g इसमें इन्वॉल्व रहता है। जैसे पृथ्वी पर g जो है 9.8 है, तो यहाँ का mg अलग रहेगा, यहाँ पे भार अलग रहेगा, वहीं आप चंद्रमा पे चले जाइए जो भार रहेगा 1/6 हो जाएगा, किसी अन प्लैनेट पे चले जाइए तो वैसे जैसे g से g का मान बदलेगा आपका भार का मान बदलेगा। तो आपसे पूछा है भार, तो भार क्या होता है, भार बराबर होता है mg, यानी कि m का g से गुणा करेंगे, g कितना है 9.8, तो 98 kg हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कोई वस्तु का अगर द्रव्यमान 10 किलो है तो वो जो है पृथ्वी पर 98 किलो की हो जाएगी, यानी कि उसका भार जो है 98 किलो ऐसा महसूस किया जाएगा। जैसे आपका वेट लगभग अगर 60 किलो मान लीजिए तो वो लगभग 6 किलो द्रव्यमान है और बाकी जितना है वो सब पृथ्वी का लोड है जो आपके ऊपर डाला गया, ठीक है। तो ये भार हो जाता है, याद रखिएगा, mg से निकालते हैं आपका भार, g से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगला ये कह रहा है, एक बंदूक की गोली का द्रव्यमान 12 kg है, ठीक है, एक द्रव्यमान, ठीक है, एक बंदूक की गोली है, ठीक है, बंदूक की गोली, गोली का जो द्रव्यमान दे रखा है, गोली का द्रव्यमान यानी कि मास कितना है, दे रखा है 12 ग्राम,
ये गोली का जो मांस दे रखा, बंदूक की जो गोली होती है उसका जो मांस दे रखा है वो 12 ग्राम दे रखा है। गोली 0.006 सेकंड में बंदूक की नाल से बाहर आ जाती है, यानी कि टाइम पीरियड दे रखा है 0.006 सेकंड। इस टाइम पीरियड में गोली दगती है और नाल के बाहर आ जाती है। फिर उसके बाद कह रहा है नाल के बाहर उसका वेग 300 मीटर पर सेकंड दे रखा है, यानी कि जो वेग दे रखा है भी वो 300 मीटर पर सेकंड दे रखा है, ये उसका वेग है गोली का। ठीक है, तो गोली द्वारा गोली पर कितना बल लगाया गया बंदूक से ये बताना है, यानी कि बल एफ। एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है, ये फॉर्मूला होता है। एम तो हमारे पास मौजूद है लेकिन ए नहीं है, त्वरण नहीं है, तो त्वरण कैसे निकालेंगे, ए बराबर वेग बटे समय, ये होता है। वेग कितना रखेंगे, 300 मीटर पर सेकेंड, और 0.006 दशमलव हटाएंगे, दो तीन, तीन जीरो लगा देंगे, 6 5 30 ये आ गया। ठीक है, अब यही यहां पे रख देते हैं। एफ इज इक्वल टू एम, एम की वैल्यू कितनी, 12 ग्राम है, लेकिन हमें तो न्यूटन निकालना है तो किलोग्राम में होना चाहिए, तो इसको 1000 से भाग दे देंगे तो ये किलोग्राम में बदल जाएगा क्योंकि यहाँ पे ग्राम था। अब ए की वैल्यू रख दीजिए 5 1 0 और 3 0, और तो 3 0 से 3 0 कट गया, 12 5 60 और ये 0, इतने न्यूटन का बल जो है लगाया जाएगा। ये क्वेश्चन कल के पेपर में भी था और ये क्वेश्चन परसों के पेपर में भी था, केवल डिजिट बदली, आज 600 आ रहा, कल 1200 आ रहा था और परसों 900 आ रहा था। ठीक है, तो जो है क्वेश्चंस नहीं चेंज हो रहे हैं, सेम सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है कि एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 56 है, वो किस समूह का है, यानी कि एस या पी किस ब्लॉक का है, ये पूछा गया है। 56 वाला तत्व हमें भी नहीं मालूम है 56 किसका है, कैसे ज्ञात करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में 2 8 18 18, ठीक है, 8 और 2, ये जो है क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 6 अवध का। 18 दूनी 36, 36 और 10 46, 46 10 56, 56 है, यानी कि फिट बैठ गया। ठीक है, अब इसका कैसे ज्ञात करेंगे कि एसपीडीएफ है, देखिए यहां से 1 2 3 4 5 6, 6 का मतलब ये हो गया छठे आवर्त का तत्व है। कितने आवर्त होते हैं, कुल 7 आवर्त होते हैं, 7 आवर्त होते हैं, तो इसमें ये है छठे आवर्त का तत्व है, आवर्त। ठीक है, ये छठे आवर्त, 1 2 3 4 5 6, 6 6 तक आ जा रहा है, यानी कि ये जो है छठे आवर्त का तत्व है, ऐसे जाना जा सकता है। फिर उसके बाद इसमें कैसे क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे अहबाव का सिद्धांत लगाएंगे, यानी कि 2 है, 2 कैसे लिखेंगे, 1s2 ये हो जाएगा, इसको कैसे लिखेंगे, 2s2 2p6, यानी कि spdf में होता है ये 2 6 10 14। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसमें रहते हैं, यानी कि s ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन, p ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन, d ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन, f ब्लॉक में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर 8 को हम लिखेंगे तो sp लिखेंगे, ठीक है, 2 और 6 कितना हो गया, 8 हो गया। 18 का किसे लिखेंगे, 3s2 3p6 3d 6 8 हो गए, 10 और आ जाएगा, ये हो गया। अगर हम इसका लिखेंगे तो इसका भी ऐसे लिखेंगे 4, ये चौथे नंबर का ना, 4s2 4p6 4d 10, इसका आ गया। फिर इसका फिर से लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 5s2 5p6, ये इसका आ गया, 10 हो गया, 2 और 6 10 हो गया, और फिफ्थ 6s2। तो यहां से देखने में क्या लग रहा है कि ये छठे आवर्त का तत्व है, कौन सा है, छठे आवर्त का तत्व है, किस ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का है। अगर ये पी ब्लॉक का होता तो ये पी पे खत्म हो जाता, ठीक है, ये जो है पी पे खत्म हो जाता, चूंकि ये एस ब्लॉक का है इसीलिए ये एस पे खत्म हो रहा है। तो जहां पे जो विन्यास खत्म हो जाता है वही उसका जो है एस पी या डी ब्लॉक होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन लगाए जाते हैं। अगर ये चीज आपको ना समझ में आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बहुत ही अच्छे तरीके से एक नए वीडियो में आपको पूरा इस तरीके से मैं समझा सकता हूँ। ठीक है, यदि आपको आवश्यकता है तो कमेंट करिएगा। अगला है, धारा 3 एम्पियर 0.3 एम्पियर एक तार से जुड़ती है जिसका प्रतिरोध 418 ओम है, 1 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, ऊष्मा पूछा गया है, ऊष्मा निकालनी है, दिया क्या क्या दिया है।
दे रखा है धारा, यानी कि आई दे रखा है, आई की वैल्यू दे रखा है 0.3 एम्पियर दे रखा है, तो इसका प्रतिरोध यानी कि आर दे रखा है 418 ओम दे रखा है और 1 मिनट टाइम दे रखा है। 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड, ठीक है। और फिर कह रहा है कि तो कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, यानी कि हीट पूछ रहा है। हीट का क्या फॉर्मूला होता है? हीट का फॉर्मूला होता है VIT, ठीक है, याद रखिएगा VIT, जैसे बनियान नहीं होती VIP, ठीक है, VIP बनियान, वैसे याद रखिएगा VIT, ठीक है। तो VIT याद रखिए, V क्या है? ये वोल्ट है, वोल्ट है। I क्या है? ये धारा है। और P क्या है? VIT होता है, P नहीं होता, VIP नहीं, VIT होता है। T को टाइम कहते हैं, ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मूला। लेकिन हमारे पास वोल्ट तो दे नहीं रखा है। जब हमारे पास वोल्ट दे नहीं रखा है तब क्या करेंगे? तो एक फॉर्मूला और जानते हैं, V बराबर IR होता है, यानी कि V की जगह पे IR रख देंगे। तो यहां पे जब आप रखोगे V की जगह पे IR तो क्या बनेगा? IR और फिर IT, I स्क्वायर RT हो जाएगा। अब I हमारे पास है, रख देते हैं 0.3 का स्क्वायर, R की वैल्यू ये लिख देते हैं ओम, और T की वैल्यू 60 सेकंड लिख देते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो आएगा, ये अभी देखिए आंसर जितना भी आपके दे रखा है कैलविन में दे रखा है, ये जो भी आएगा आपका कैलविन में आंसर नहीं देगा, ठीक है, कैलविन में नहीं देगा, जूल में देगा। तो कैलविन में बदलने के लिए कितना करते हैं? 4.18, ये 4.2 से भाग देते हैं। 4.2 होता है, 4.18 होता है, जैसा आपको जरूरत हो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 4.18 जब 18 रखेंगे तो कट जाएगा, तो 4.18 रखेंगे और इसे बना देंगे कैल्विन, ठीक है। ये अब कैल्विन में बदल गया, तो कैल्विन में आपका आंसर दे रखा, ये दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ा देंगे और ये इससे कट गया, तो ये कितना आ जाएगा? ये 0.09, यानी कि 3 3 9 हो जाएगा, गुणे में 60 हो जाएगा, गुणे में 100 हो जाएगा, 6 9 54, 6 9 54 हो जाएगा, और 1 जीरो ये वाला, 2 जीरो ये वाला, और 2 के बाद दशमलव लगा दीजिए, यानी कि 540 जो है कैलोरी आ गई, ठीक है। तो इतना सब दिया गया था, एक फॉर्मूला आप याद रखिए, VIT, V से है नहीं इसलिए V बराबर IR रख देंगे, तो ये भी फॉर्मूला होता है, आप इसे भी डायरेक्ट याद कर सकते हैं, I² RT, ठीक है। ये फॉर्मूला जब याद करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। अगले ये क्वेश्चन दे रखा, 12 वोल्ट की एक बैटरी हो गई, ये सभी सेकंड वाली मैथ से आए हुए हैं। कह रहा 12 वोल्ट की एक बैटरी हो गई, ये ऐसे कुछ एक बैटरी बना देते हैं 12 वोल्ट की, ठीक है, 12 वोल्ट की एक बैटरी बनाती है। तो 12 वोल्ट की एक बैटरी हो गई को 0.2 ओम, 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम, 0.6 ओम, कितना है? 0.5 है, 0.12 ओम, 12 ओम से जोड़ दिया गया, ठीक है, जोड़ दिया गया। तो कह रहा 2 ओम में कितनी धारा प्रवाहित होगी, ये पूछा गया। तो कैसे करेंगे? सबसे पहली बात तो ये है, अगर सीरीज में जुड़ा है, क्योंकि एक ही राह में जुड़ा है ना, जब एक ही राह में जुड़ा है और यहां से जो करंट चलेगी, करंट ही आपसे पूछी गई है धारा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है कि सब में एक ही प्रकार की धारा जो है बहेगी, क्योंकि उसके धारा के पास कोई दूसरा और रास्ता है ही नहीं, धारा के पास कोई दूसरा नहीं रास्ता है, जितनी धारा यहां से चलेगी ड्रॉप होते होते वो एक ही पाथ पे चलेगी। तो सबसे पहले तो इसको हम जोड़ देंगे, पूरा आर निकाल लेंगे, 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12, तो कितना हो गया? 5 5 10, 1.4 प्लस 12 13.4 आ गया ओम, ये पूरा पूरा ओम आ गया, कुल ओम। अब सीधा सीधा इसमें लगा देंगे V बराबर IR, V कितना देखा? 12, I निकालना है, R कितना दे रखा? 13.4, इसको नीचे फेंकेंगे, 12 13.4, और ये आपका कैलकुलेट, कैलकुलेट जब करेंगे तो लगभग आपके 8 9 5 के समथिंग आपका आंसर दे देगा, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है कर लीजिएगा। अगला है, भूतल से 6 मीटर ऊपर स्थित 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में निहित ऊर्जा बताइए, कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। ये क्वेश्चन लगातार
जब से आपका पेपर हो रहा है तब से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। भूतल से 6 मीटर ऊंचाई यानी कि h दे रखा है 6 मीटर की ऊंचाई पर, और फिर उसके बाद दे रखा 10 kg का पत्थर है यानी कि m दे रखा है, तो इसकी ऊर्जा बतानी है। तो ऊर्जा बराबर कितना हो जाएगा mgh। m कितना दे रखा है 10, g कितना दे रखा 9.8, और ये 6 गुणा कर देंगे, ठीक है, गुणा कर देंगे 6 8 48 का 8 हासिल लग गया 4, 6 9 54, 4 58 इतना, और ये 0, 1 दशमलव है पीछे से लगा देंगे, ये इतनी जूल की ऊर्जा आ जाएगी 588। अगला क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु 1 न्यूटन का बल लगाकर, यानी कि बल कितना दे रखा है, बल दे रखा है 1 न्यूटन का बल लगाकर 1 मीटर की दूरी तय करती है, यानी कि दूरी कितना दे रखा है 1 मीटर की दूरी तय करती है, तो उसका कार्य बताइए। तो सिंपल सा है, कार्य यानी कि F बराबर, कार्य बराबर W, W बराबर F इंटू डी होता है। F की वैल्यू रखेंगे 1 न्यूटन, इंटू M रखेंगे 1 न्यूटन, तो 1 जूल का कार्य होगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आज के पेपर में 25 तारीख के तीनों शिफ्टों में इतने क्वेश्चन पूछे गए थे। अगले वीडियो में हम लोग 26 तारीख के सभी शिफ्टों के जो भी न्यूमेरिकल्स आए थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे।